जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। और चलिए जान लेते हैं आज का महा उपाय, दसवीं के बाद किस तरह से क्या कुछ करें, इस बारे में भी आपको बताएंगे पंडित जी। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्लास 10th या 12th के बाद आपको अपने भविष्य को किस तरीके से संवारना है, खासतौर पर 10वीं के बाद किस तरीके से आप अपना विषय यानी सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। अगर उसमें कहीं कोई बाधा आ रही है तो हम आपको पहले से काफी समय से गाइड करते आ रहे हैं। और हाई स्कूल के बाद आपको क्या करना चाहिए, कैसे चुने मनचाहा करियर, आप जिस भी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और ग्रहों की तरफ से आपको बहुत समर्थन नहीं मिल रहा, तो आज मैं आपको बहुत सरल और बहुत प्रभावशाली कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिनको प्रयोग में ला करके आप अपने करियर को संवार सकते हैं। अभी एक कन्या ने पूछा कि उसने मेडिकल का एग्जाम दिया है और क्या करे कि उसका रिजल्ट अच्छा हो जाए, या अगर रिजल्ट अच्छा ना आए तो भी अगर आपको उस फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपका अभी रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया और आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उस विषय में बहुत अच्छा बन जाए, तो ये जो कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं इनको आप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। अगर आप अपना खास करियर चुनना चाहते हैं तो आज हम आपको बताएंगे वो उपाय जिन्हें अपना करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। दसवीं के बाद अक्सर छात्र विद्यार्थी इस कश्मकश में रहते हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट चुने जिससे उन्हें करियर के लिए बहुत बेहतर अवसर प्राप्त हो सके। कई बार छात्र बिना सोचे समझे विषय का चयन भी कर लेते हैं जिससे बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। आगे चलकर के पछताना ना पड़े इसके लिए जरूरी है कि सही समय पर सही विषय का चयन किया जाए। कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा पायलट बनना चाहता है तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई सरकारी नौकरी बहुत मेहनत से ढूंढ रहा है, तो कोई पुलिस में ऑफिसर बनकर के अपना करियर बनाना चाहता है, या फिर कोई बैंकिंग सेक्टर में जाकर के नौकरी करना चाहता है, तो कोई साइंटिस्ट बनकर के देश की सेवा करना चाहता है, कोई जातक जो है फिल्म स्टार बनकर के अभिनय की दुनिया में नाम और पैसा शोहरत कमाना चाहता है, कोई पत्रकार, वकील, जज या फिर कंप्यूटर इंजीनियर जैसे पेशे को अपनाना चाहता है, कोई लड़का जो है वो लड़का या लड़की सेल्समैन और सेल्स या मार्केटिंग की फील्ड में अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं। यदि इनमें से आप कुछ भी बनना चाहते हो, आपके मन में, आपके दिमाग में कोई भी विषय हो, तो बच्चे लोग आप लोगों को उपाय तो करना ही पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना मनचाहा करियर किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं उनके लिए जो लोग रोजगार के क्षेत्र में प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं वकील बन जाऊं, मैं संपादक यानी किसी पत्र पत्रिका में, अखबार में या टीवी न्यूज चैनल्स में संपादक यानी एडिटर बन जाऊं, टीवी में एंकर बन जाऊं, जिस तरीके से प्रियंका जी लोग काम करती हैं आजकल, बहुत बड़ा प्रोफेशन हो गया है। कुछ लोग टीचर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बन जाऊं, मैनेजमेंट और मार्केटिंग सेल्स के क्षेत्र में अपना करियर बना लूं और टॉप पर पहुंच जाऊं, ऊंची तनख्वाह हो, मोटी तनख्वाह हो, जीवन के सभी प्रकार के ऐशो आराम हो, गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो, इसके लिए तो उपाय आपको करना ही होगा। आपके लिए कहा गया है बच्चों कि यदि भाग्य बनाना है तो उपाय तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाई के साथ साथ करने वाले उपाय मैं आपको बता रहा हूं। ज्योतिष या किसी भी प्रकार की विद्या आपको कभी आपकी पढ़ाई से नहीं हटाती है, आपको इन सभी उपायों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ करना है।
किसी भी विषय में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, जैसे इस बालिका ने पूछा कि वो डॉक्टरी की फील्ड में जाना चाहती है, तो आप लोगों के लिए ये उपाय है कि केसर का तिलक रोज सुबह स्कूल या कॉलेज जाने से पहले आप अपने माथे पर लगाएं। और उसके साथ साथ बच्चों को ये चाहिए कि माथे पर लगाने के साथ साथ आप नाभि स्थान पर भी अगर आप इसको लगाते हैं तो आपको लाभ मिलता है। केसर जो है वह ज्ञान का कारक है, आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं और आपको दैवी कृपा प्राप्ति के साथ साथ आपको भाग्य बनाने में सहायता प्राप्त होती है। इसी के साथ साथ पीतल का एक कड़ा आप पहन करके गुरु ग्रह बृहस्पति जो ज्ञान के देवता हैं उनको बलवान कर सकते हैं, उनको आप बलवान करें तो आपको लाभ मिलेगा। दाहिने हाथ में आपको पीतल का एक कड़ा या पीतल का ब्रेसलेट पहनना चाहिए। किताबों में केले के वृक्ष की छोटी सी एक जड़ रखें। केले का पेड़ भगवान गुरु यानी भगवान बृहस्पति के लिए पूजा जाता है, इस पर बृहस्पति देवता का आधिपत्य है हमारे धर्म शास्त्रों में, तो उससे आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपको गुरुदेव गुरुग्रह बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गुरु ज्ञान का कारक है यानी बृहस्पति ज्ञान का कारक है और पुखराज उसका रत्न है, तो किसी योग्य ज्योतिषी से पूछ करके अपनी कुंडली दिखा करके यदि पुखराज आपको सूट करता हो तो आप वो भी धारण कर सकते हैं। इसके अलावा पीले कपड़े में लपेट करके और पीले धागे की सहायता से चंदन की लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा अपने गले में धारण करने से भी गुरु बलवान होता है, बृहस्पति को और बल मिलता है। खड़ी यानी साबुत हल्दी की 5 गांठें पीले कपड़े में लपेट करके अपने स्कूल बैग में कॉलेज के बैग में रखने से भी फायदा मिलता है। और दूसरा एक 5 गांठों का एक सेट बना करके अपने बेड में बिस्तर में तकिए के नीचे यदि आप रख देते हैं और उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे गुरुग्रह बृहस्पति जो है बहुत बलवान होता है और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है अपने करियर में। आप डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सरकारी नौकरी, पायलट, वकील इत्यादि कुछ भी बनना चाहते हो या इनसे जुड़ा कोई भी प्रोफेशनल कोर्स या डिग्री प्राप्त करना चाहते हो वह अवश्य आपको प्राप्त होगी और बहुत अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण हो पाएंगे। तो आपके सितारे के लिए आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और ये सारी बातें हमारे दर्शकों को बताने के लिए। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।